हाय गाइस, मेरा नाम रिजवान, आप देख रहे हैं AMR अंसारी। फ्रेंड, ये जियो का मोबाइल है F211S, इसका मॉडल नंबर है। इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या एरर आता है। देखिए गाइस, ये मोबाइल के बैटरी को हमने रिमूव कर दिया है। अब इसको मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं। चार्जर लगाने पर पहले इसकी बैटरी को चेक कर लेते हैं कि इसकी बैटरी कितनी चार्ज है। देखिए गाइस, ये मल्टीमीटर हमारा ऑटोमेटिक है। देखिए, ये 3.48 ये बैटरी में चार्जिंग बता रहा है, यानी ये बैटरी लगभग 1 या 2% चार्ज है। चलिए फटाफट इसमें हम चार्जर को भी कनेक्ट करके फिर इसमें भी मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि इसमें इसके बैटरी पे कितना, बैटरी कनेक्टर पे कितना करंट आ रहा है। फिर उसके बाद इसमें हम जानेंगे कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ये हमने चार्जिंग कनेक्टर को इंसर्ट कर दिया है। अब इसको मल्टीमीटर को डीसी नहीं बजर लाइन पे कर लेते हैं, नहीं डीसी मोड पे कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे। देखिए गाइस, ये लाल को हमने रेड वाले पॉइंट को इसके प्लस पॉइंट पे रखा है और माइनस को ग्राउंड पे। देखिए, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, कोई करंट नहीं बता रहा है। चलिए इसका कनेक्टर बाहर कर देते हैं और इस मोबाइल को फटाफट ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम जानेंगे। देखिए गाइस, ये इसका स्क्रू हमने पहले से ओपन करके रखा है। देखिए, ये पूरा बोर्ड बाहर निकल गया है। अब इसके स्टिकर को भी रिमूव कर देते हैं और फिर उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए गाइस, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इसके चार्जिंग कनेक्टर के पास एक डायोड लगा हुआ है, वो डायोड शॉर्ट है। इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। देखिए गाइस, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा क्लियर करके कि कौन सा डायोड इसका शॉर्ट है, जला हुआ है। देखिए, ये डायोड इसका जला हुआ था, इस वजह से थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखा देते हैं। देखिए गाइस, ये डायोड इसका जला हुआ है, इस वजह से इसमें शॉर्टिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है। अब चलिए इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर लेते हैं कि इसकी चार्जिंग लाइन पे शॉर्टिंग तो नहीं है, इस वजह से इसमें चार्जिंग नहीं शो हो रहा है। देखिए गाइस, ये मल्टीमीटर को हमने बजर लाइन पे कर दिया है। देखिए, इसमें बीप की आवाज़ आ रही है और रेड लाइट भी जल रही है। देखिए, इसमें बिल्कुल 100% ये शॉर्टिंग बता रहा है इसकी चार्जिंग लाइन। देखिए गाइस, ये डायोड इसका शॉर्ट है। ये दोनों डायोड को हम रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। देखिए, ये डायोड को हम आयरन की मदद से निकालेंगे और ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देखिए गाइस, इसको हम आयरन की मदद से रिमूव कर देंगे। देखिए, ये डायोड इसका निकल गया है और हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए, ये डायोड इसका निकल गया। अब इसके प्रिंट को थोड़ा साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद हम आपको डायोड को भी दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह ये जला हुआ है, ये शॉर्ट हो गया है। देखिए, ये हमने डायोड यहाँ से रिमूव कर दिया और ये डायोड, देखिए ये शॉर्ट है, ये बीच में जल गया है, इस वजह से इसकी चार्जिंग लाइन शॉर्ट है। अब इसको फिर से एक बार हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। देखिए, इसको हम एक बार फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या अभी भी वही प्रॉब्लम बता रहा है। देखिए गाइस, ब्लैक वाले पॉइंट को ग्राउंड पे रखना है और रेड वाले पॉइंट को इसके प्लस वाले पॉइंट पे रखना है। देखिए, अभी भी ये
शॉर्ट बता रहा है। देखिए ये दोनों साइड पे शॉर्ट बता रहा है। अब इसको हम एक नए तरीके से इसको सही करेंगे, इसकी शॉर्टिंग दूर करेंगे। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये शॉर्ट किलर है, ये शॉर्ट किलर हमने अपने हाथों से बनाया है और इस शॉर्ट किलर की मदद से इसकी शॉर्टिंग को दूर करेंगे। देखिए थोड़ा सा जूम कर दिए हैं और जूम करने के बाद इस शॉर्ट किलर की मदद से इसकी शॉर्टिंग को दूर करेंगे। देखिए गाइस ये इसके ब्लैक वाले पॉइंट को ग्राउंड पे कहीं भी रख देना है और इसका जो दूसरा वाला रेड पॉइंट है ये चार्जिंग कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पे देखिए हमने रखा और इसमें से हल्का सा धुआं निकल रहा है। देखिए हम फिर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रखने पर ये हल्का सा धुआं निकल रहा है, यानी इसकी जो चार्जिंग की लाइन है जो इस पर एक डायोड और लगा था जिसको आईसी कहते हैं, वो आईसी शॉर्ट है और इसको हम हॉट गन की मदद से रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद आगे जानेंगे। फ्रेंड जो हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए गाइस ये हमने हॉट गन की मदद से इसकी आईसी को हम रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पर एक जम्पर लगाएंगे। जम्पर लगाने के बाद फिर आगे जानेंगे कि क्या एरर आता है। देखिए गाइस इस आईसी को हमने हॉट गन की मदद से रिमूव करना है। और फ्रेंड वीडियो में कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका जवाब मैं इंस्टाग्राम पे तुरंत दूंगा। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा यूजर नेम है amransari555। देखिए गाइस ये हमने आईसी को रिमूव कर दिया है। अब इसमें हम जम्पर लगा देंगे और फिर उसके बाद मल्टीमीटर से इसको पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर से चेक करने के बाद इसमें हम जम्पर लगाएंगे और फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे। देखिए अब ये इसकी शॉर्टिंग बिल्कुल दूर हो गई है 100%। देखिए ये इसमें मीटर पे रीडिंग बता रहा है। देखिए गाइस अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। जूम करने के बाद देखिए ये एक पॉइंट इस डायोड पे लगा देंगे, नहीं कैपेसिटर पे, और दूसरा पॉइंट चार्जिंग कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे। देखिए ये दोनों पॉइंट को हमने सोल्डिंग कर दिया। अभी इसमें हम चार्जर लगाकर चेक करेंगे कि इसमें चार्जिंग शो होता है या नहीं। देखिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसमें कितना करंट बता रहा है। देखिए गाइस इसको हमने डीसी मोड पे कर लेना है, फिर उसके बाद इसको चेक करना है। देखिए इसमें करंट बता रहा है लगभग 4 वोल्ट के करीब। देखिए ये बैटरी से हम चेक करेंगे लगाकर। देखिए इसमें चार्जिंग चलना शुरू हो गया है। अब इसको हम फटाफट फिट कर देंगे। फिट करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। देखिए गाइस ये चार्जर को भी हमने इंसर्ट कर दिया और ये चार्जिंग चलना शुरू हो गया है। फ्रेंड हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग।